ऐसा पता लग रहा है कि ब्राह्मण समाज में बड़े चहेते हो गए हैं सुशील गौतम जी। जी हाँ, क्योंकि पवन गौतम जी के ना आने से ब्राह्मण समाज ने संकल्प ले लिया है कि डमी कैंडिडेट को न जिताकर। इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा बाबागंज में। यहाँ पे लगातार जो है चुनावी माहौल गर्म है। यहाँ पे दबदबा है जनसत्ता पार्टी का। और आइए बात करते हैं यहाँ पे जो निवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, ब्राह्मण समाज से हैं। क्या माहौल चल रहा है पार्टियों का, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे जनसत्ता दल हो या भाजपा हो, क्या माहौल चल रहा है? अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर माने जाते थे ब्राह्मण समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग किधर जा रहे हैं? क्या कहेंगे ब्राह्मण समाज से आप हैं, किधर जाएंगे अब की बार? देखिए, हम लोग कद्दावर नेताओं के पीछे रह रह के बेकार हो चुके थे और अब की हम लोगों को अच्छा मौका मिला है कि हमारे यहाँ कोई कद्दावर नेता नहीं है। उनके पीछे पीछे चलना हम लोगों का काम रहा करता था। उन लोगों ने कभी हम लोगों को बढ़ने का मौका नहीं दिया। किसके पीछे चलने का काम रहा था? स्वामी जी के साथ हम लोग चलते रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। जी, लेकिन उन लोगों ने अपने से पीछे चलने वालों को कभी आगे नहीं जाने दिया, इसलिए हम लोगों ने सुशील भाई को चुना। सुशील भाई यहाँ से जो प्रत्याशी हैं बीएसपी के। जी, तो क्या पूरा ब्राह्मण समाज उनके पीछे है? ब्राह्मण समाज का मतलब है मैं राधे राधे के नाम से जाना जाता हूँ। अगर राधे राधे हैं तो सभी हैं। बीजेपी से क्यों नाराज हैं? बीजेपी से, बीजेपी ने सही कैंडिडेट नहीं दिया। कैसा कैंडिडेट दिया? ये जो कैंडिडेट दिया ये एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ कभी टहलने भी नहीं आता था। अच्छा। और मैं पवन जी के साथ रहता था, उनका कैडर अच्छा था, टहलने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ रखी थी, इसलिए अच्छे वोटों से उन लोगों ने मतलब पिछले चुनाव में अच्छी खासी फाइट की थी। सुशील गौतम जी जो है बहुजन समाज पार्टी से हैं, तो क्या आप ब्राह्मण समाज पार्टी से हैं? देखिए, हम लोग आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जो है बहुजन समाज पार्टी कोट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे लिए कोई पार्टी विशेष नहीं है। मैं ऑलरेडी मीडिया से जुड़ा रहा हूं, तो मेरे को जो लोकतंत्र का हनन करे उसका साथ छोड़ देना चाहिए, लाशों की राजनीति करे उसका साथ छोड़ देना चाहिए। अगर हमारे देश को बेचने का भी सौदा करे तो ये सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसको मिट्टी की चिड़िया बनाने में आप लोगों का हाथ हो रहा है, इसलिए हम ऐसे नेताओं को नहीं आने देंगे। सुशील गौतम जी में क्या अच्छा लगा जो आप उनको चूज कर रहे हैं? देखिए, एक तो वकालत से जुड़े हुए हैं, वकील जो होता है हर गलत कीलों को निकाल के फेंक देता है, तो ये देखा जाए तो सांप्रदायिक क्षेत्र है, यहाँ कानून से जुड़े हुए लोगों को ही आवश्यकता है। मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे क्षेत्र को उस लायक समझे और हमारे क्षेत्र को आगे ले जाएंगे। लिहाजा ये सुरक्षित ना होता तो यहाँ से बीजेपी जो है मंदिर बनवा दिया, राशन दे रही है, क्यों नाराज? कहाँ बीजेपी ने मंदिर बनवा दिया, राशन दे दिया? राम मंदिर, बहुत सारे राम मंदिर का तो हमारी बहन जी ने 5 सदस्यीय टीम का गठन किया था, आज भी उन लोगों ने जो इस पे जजमेंट लिया हुआ है बहन जी को आगे करके लिया हुआ है ना कि बहन जी माने तो मायावती जी। जी हाँ, जी हाँ। क्या मायावती जी की सरकार बनाएंगे आप लोग? क्यों नहीं बना देंगे? हमारे मायावती जी जो है अम्बेडकर पार्क बना दिए हैं, बड़ी बड़ी हाथी लगा दिए हैं, ब्राह्मण समाज बोलता है वो नजायज पैसा खर्चा कर। देखिए, नीचे से शुरू करने पे हमारे आपके यहाँ हर सुधार हुए हैं, ऊपर से किसी ने सुधार करने की कोशिश नहीं की है। सतीश चंद्र मिश्रा कहते हैं कि ब्राह्मण समाज का अगर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है तो भाजपा। जी हाँ, सतीश मिश्रा जी कानून के दायरे में रह करके ही सारे कार्य करते हैं और वो लोकतंत्र का हनन नहीं कर सकते, हम उनकी कदर करते हैं। तो क्या आप सतीश चंद्र मिश्रा को देखकर या मायावती जी को देखकर किस बेस पे जो है बीएसपी को वोट देंगे? देखिए, हम अपने देश का कद ऊंचा ले जाने वाले की ही कदर करते हैं। मैं स्वयं भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ रहा हूँ, तो सामाजिकता किसी की भंग नहीं करनी चाहिए और स्वतंत्र है ये देश, यहाँ सबको वोट करने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं देखते? समाजवाद है कहाँ उसमें? लीक कायर चले, लीके चले कपूत, और लीक छाण तीनों चले सायर सिंह सपूत, तो ये लोग तो कर्मयोगी है ही नहीं। तो हमारे यहाँ तो बताया जाता है कि जय बाबा की करते रहिए, अपना काम करते रहिए, बनो कर्मयोगी, न लाओ निराशा,
सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। करो जो नित्य सुशील दी की तरह पुरुषार्थ, तुम चन्नी तुम्हें नित्य ही जन्म देगी। जय हिंद जय भारत। आपसे ऐसा पता लग रहा है कि ब्राह्मण समाज में बड़े चहेते हो गए हैं सुशील गौतम जी। जी हाँ, क्योंकि पवन गौतम जी के ना आने से ब्राह्मण समाज ने संकल्प ले लिया है कि डमी कैंडिडेट को न जिताकर हम जय गणेश काटो कलेश के नारे को लेके ही चलेंगे। अभी तो वर्तमान में जो है विधायक विनोद सरोज जी हैं, क्या ब्राह्मण समाज उनको टक्कर दे पाएगा सुशील गौतम जी के समर्थन? मुझको किसी को टक्कर देने की जरूरत नहीं है, वो लोग आपस में ही लड़ते रह जाएंगे, हम आगे निकल जाएंगे, हम तो अपने रफ्तार में चलते हैं। ब्राह्मण संघ फूकेगा हाकी दिल्ली जाएगी। क्या नाम है आपका? ललित मोहन पांडे। पांडे हैं जी हाँ। क्या किसी पार्टी से पदाधिकारी वगैरह? मैं बसपा में ही जुड़ा हुआ था, बसपा में ही जुड़ा रहना चाहता हूँ, बसपा ही हमारी जननी है। बसपा में जुड़े रहे, बसपा में जुड़ा रहना चाहते हैं, जो है बसपा के ऐसे क्या काम है जो आपको अच्छे लगते हैं, जो बसपा की कट्टर लगते हैं आप? इसलिए कि देखिए, लोकतंत्र का हनन करने वाले में बसपा ही नहीं रहते हैं हमारे यहाँ। बसपा तो सर्व समाज को लेकर चलता है। हाँ, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का ही नारा ये लगाती है। तो हम बहन जी को बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं कि हमारे ब्राह्मण समाज को इतने आगे ले आई हैं, उनके बगैर वो काम नहीं करती हैं। योगी जी तो कहते हैं ब्राह्मण समाज कहीं नहीं जाएगा हमारे। योगी जी तो देखिए जातिवादता की राजनीति करते हैं। जातिवाद करते हैं जी हाँ, हम जातिवादता की राजनीति को बहुत दूर कर चुके हैं। ब्राह्मण कभी जातिवादता की राजनीति को लेकर नहीं चलता है, वो शिक्षा देने का काम करता है। शिक्षा, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पर बात की जाए तो वर्तमान में जो सरकार है कैसी रही है? देखिए, ऑनलाइन पब्लिक का हैरेसमेंट करना और किसी प्रकार से किसी को घर से बाहर न निकलने देना, जनता की स्वतंत्रता को छीन लेना होता है। आपके पिता ख़त्म हुए, आप नहीं पहुंच पाए, किसी के भी पिता ख़त्म हुए वो ना पहुंच पाए, ये तो आपने समाज में एक प्रकार से फूटन पैदा कर दी, भाई को भाई से अलग कर दिया। किसको इंडिकेट कर रहे हैं? ये जो हमारे यहाँ बीमारियाँ फालतू की चला करके लोग बाग लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इसको करके नहीं बोल रहे हैं, इसको हम किसी प्रकार की बीमारी नहीं समझते हैं। आदमी अपने आप ही शुरू से प्रिकॉशन रखता स्वच्छता का, तो आज हम लोग इस घाट पर न पहुंच पाए। खुलकर क्यों नहीं बोल रहे बीमारी कौन? ये कोरोना नाम की चीज़ की बीमारी कोई नहीं है, ये हमको आपको सिर्फ परेशान करने की एक नई बीमारी पैदा की गई। अभी अभी जो है वैक्सीन भी जो है 1.5 करोड़ लगाई गई, उसके बाद भी लॉकडाउन लगाया जा रहा है। हमारे यहाँ तरह तरह की वैक्सीनें चलती हैं, विदेशों से जोड़ करके इनको हमको आपको भारतीय न कह के विदेशी कहा जाए और हमारे आपके ऊपर अटकलें लगा लगा के हमको आप हमारी आपकी स्वतंत्रता छीन ली जाए, यही इन लोगों का नियम है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि यहाँ ब्राह्मण समाज भी ठान चुका है कि अब की बार जो है BSP की सरकार लाएंगे, और इनका कहना है कि जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जातिवादता करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, उनके कामों से खुश नहीं हैं, अब की बार जो है यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं BSP से प्रत्याशी हैं सुशील गौतम जी इनके बड़े चहेते हैं, और अब की बार जो है विधानसभा बाबागंज में ब्राह्मण समाज पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज जो है सुशील गौतम जी के साथ में, क्या सही है ये बात? 99% लोग हमसे यही कहते हैं कि राधे जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता ऊंचे पावदान का नेता होता ही नहीं है, हमारे यहाँ तो एक सा नियम है, जो छोटा कार्यकर्ता है वही बड़ा कार्यकर्ता है। तो आप लोगों ने जिस तरह से देखा कि यहाँ पे ब्राह्मण समाज भी ठान चुका, मैं बार बार बता रहा